के लिए ये कह रहे थे कि अगर देश की नौजवानी को नौकरी नहीं मिलेगी, इफ द यूथ ऑफ दिस कंट्री आर बिरेफ्ट ऑफ जॉब, देन दे विल ज्वाइन आईएसआईएस, तो वो आईएसआईएस में चले जाएंगे। और आज आप कह रहे हैं कि इस हिंदुस्तान में जो सरकार है, हिंदुस्तान पे जो सोच है, वह सोच आतंकी सोच है, मुस्लिम ब्रदरहुड की सोच है। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 से पहले भी कांग्रेस पार्टी में ठीक इसी प्रकार की बौखलाहट थी। याद करिए, चुनाव 14 में मई के महीने में सरकार बननी थी, उससे पहले चुनाव था, और 2013 में ठीक इसी प्रकार सोनिया जी की मौजूदगी में, मनमोहन जी की मौजूदगी में, राहुल गांधी जी जो नए नए वाइस प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस पार्टी में, उनके मौजूदगी में मंच पर खड़े होकर तत्कालीन गृह मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कहा था कि ये आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं, कैंप चलाते हैं, और अगले दिन पाकिस्तान के हर अखबार में ये हेडलाइन थी कि जो भारत की विपक्षी पार्टी है ये कैंप चलाते हैं आतंकवादियों का, ये राजनीति नहीं करते, ये सरगना है, ये ट्रेनिंग देते हैं आतंकवादियों को। और आज फिर से आपने वही काम किया। वाई सच हेट्रेड फॉर डेमोक्रेसी मिस्टर राहुल गांधी? जब हम विपक्ष में थे तब भी जनता के दया से थे, जनता के वोट से थे, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से विपक्ष भी चुन के आई थी उस समय। उस समय आपने विपक्ष को आतंकी कहा। आज जब हम पक्ष में हैं, हम सरकार में हैं, जनता के हम जनता मालिक हैं, हम उनके नौकर हैं। वी सर्व द पीपल ऑफ दिस कंट्री, वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री, दे हैव सिलेक्टेड अस, इलेक्टेड अस, व्हाटएवर वी आर टुडे, व्हाटएवर मोदी जी इज टुडे, एज मोदी जी हिमसेल्फ सेज, इज बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ 125 करोड़ पीपल। और आप उनके प्रति इस प्रकार की घृणा दिखाते हैं आतंकी कहकर? स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।